हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम आकांक्षा अंकू गुप्ता है। तो जैसे कि कुछ कुछ वीडियो से या कुछ चीज़ों से पता चल गया है कि सुमित महल जी ने, अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं ना सुमित महल जी को अब शादी नहीं करना चाहिए, कमेंट में आप लोग कह रहे हैं कि यदि सुमित महल जी ने शादी की तो वो तो फिर मतलब सब होने पता होने के बाद भी उनका क्या रह जाएगा। तो देखो, सुमित महल जी का भी मतलब मुझे कुछ वीडियो के जरिए पता चला है कि सुमित महल जी का भी डिसीजन ये है कि जब तक दूसरा पक्ष अपनी बात नहीं रखेगा, जैसे हम सब ऑडियंस या आप सब लोग या हम सब लोग मिलके जो भी उनका दूसरे पक्ष का इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे ही सुमित महल जी दूसरे पक्ष का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही दूसरे पक्ष की मतलब बात सामने आएगी उसके बाद हम अपना डिसीजन लेंगे और आगे बात करेंगे। क्योंकि अभी उन लोगों की, नेहा तिवारी और सुमित महल की, कोई आपस में बात नहीं हो रही है। देखो, सामने वाले सुमित महल जी हैं तो उनकी फैमिली तो अभी क्या बोलेगी, कुछ भी नहीं बोल पाएगी। हाँ, जबकि सामने से इनको जाके बोलना चाहिए था, बात करना चाहिए था का कि अभी देखते हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं, जो भी इनका पक्ष है मतलब कम से कम उनको तो बोलना चाहिए था। सोशल मीडिया पर तो बाद में भी आ जाता है ना, तो सामने वाले से बात करनी चाहिए। तो अभी उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे सब ऑडियंस उनका दूसरे पक्ष का वेट कर रही है, वैसे ही सुमित महल जी का भी इंतजार है कि बस हमारा मतलब उनका जैसे ही पक्ष आता है उसके बाद हमारा डिसीजन हो जाएगा कि हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, अभी बहुत प्रेशर में है उनकी फैमिली, बहुत दबाव, बहुत सुनने को। देखो, जब से उनने सगाई की है तब से उन्हें सुनने को ही मिल रहा, क्योंकि जैसे उनने सगाई की थी तो पैसों के लिए सगाई की है, सोशल मीडिया पे आने के लिए सगाई की है, फेम पाने के लिए सगाई की है। जबकि उनका कहना ये है कि हमने ये सब करने के लिए सगाई नहीं की है, हम ऑलरेडी फेमस हैं, हम ऑलरेडी सोशल मीडिया पे थे और हमारे पास ऑलरेडी प्ले बटन है, दोस्त के हों हमारे हों, लेकिन हम लोग ना बिन फेस के सोशल मीडिया पे थे, तो हमें सोशल मीडिया से ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्होंने तो अपनी इच्छा जताते हुए उन्होंने शादी का सोचा था कि हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे इनसे, तो बस बाकी उन्हें ऐसा कुछ नहीं पता था कि इनका क्या है क्या नहीं है। हाँ, उन्होंने ये तो बोला, डाउट होता था, लेकिन उन्हें ऐसा उन्हें बोला ना कि मैं सामने से बात कैसे रखता, तो बस यही बात आई ना कि जैसे मनीषा ने बोला कि मुझे डाउट था लेकिन मैं श्योर नहीं थी, यही सुमित महल का कहना है कि मुझे डाउट था लेकिन मैं श्योर नहीं था। तो दोनों तरफ से बात यही निकल के आई है, और बात देखो दोनों के मन में थी तो सामने भी बात आ गई, शादी होने से पहले सामने बात आ गई। अब बाकी उनका डिसीजन है, उनका पक्ष आएगा, उनके पक्ष सुनने के बाद क्लियर होगा कि शादी होना है या नहीं होना है। तो इतनी बात तो उन्होंने कह दी है, बाकी वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी फैमिली टॉर्चर हो रही है, शुरू से ही टॉर्चर होती आ रही जब से सगाई क्या की उन्होंने, जब भी गंदे कमेंट्स उनको मिले। और अब तो देखो, अब मान लो अपनी निगाह में वो अच्छे हैं और थे तो, लेकिन अभी भी उन्हें ना बहुत लोग ट्रॉल कर रहे हैं और कर भी रहे होंगे, आस पड़ोस वाले उनके रिश्तेदार वगैरह टॉर्चर कर ही रहे होंगे कि क्या कैसी। आज वो अगर शादी करके भी जाएंगे तो भी शायद उनको सुनने को मिलेगा कि ये तो ऐसा था, इनका कैरेक्टर ऐसा था, सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ था, तो सुनने को उन्हें मिलेंगी। यदि वो शादी करती हैं तब भी उनको सुनने को मिलेंगी, ये बात तो क्लियर है। तो अब उनका फैसला है, देखो जैसा भी उनको अच्छा लगेगा, शादी करनी होगी तो वो करेंगे, इसमें कोई ऐतराज की बात भी नहीं है। और सबसे पहला थैंक यू तो अभी फिलहाल में हम सब लोग सचिन को बोल रहे हैं कि सचिन का थैंक यू। अब सबसे ज़्यादा कमेंट्स में यही मिल रहा है कि सचिन को थैंक यू बोलना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि सचिन ने बात रखी तो बात कितनी सारी आगे खुल के आई, कितने लोगों ने अपने मन की भड़ास निकाली, तो ये वाली बात तो हम सब लोगों ने देख लिया है ना। तो सचिन को इस बात में बहुत लोगों का कहना है कि सचिन को थैंक यू है, तो जाहिर सी बात है यार। अब हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 साल पहले की बात आज निकल के आ रही, 3 साल पहले की बात आज निकल के आ रही, 3 महीने पहले की बात आज निकल के आ रही, तो क्या समय जब आता है तभी निकल के आती है। आज हमारी किसी से लड़ाई हो, एक पक्ष शांत हो जाए और हमें पता है कि जब समय आएगा हम जब बोलेंगे तो तभी बोलेंगे ना, तो वही तो उन लोगों ने किया था, चाहे जैसिका जी हो, चाहे सरिता जी हो, चाहे जो भी लोग हैं, ये 3-4 जो भी निकल के आए, तो सबका कहना यही है जब समय आता तभी हम बोलते। उस टाइम देखो जैसिका जी का मुंह बंद करा दिया था क्योंकि उनके पास पब्लिक का सपोर्ट नहीं था, सरिता जी का भी मुंह बंद करा दिया था क्योंकि उनके पास भी पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला उस टाइम पे उन्हें, तो बस जाहिर सी बात है कि उन लोगों के मुंह बंद इस वजह से हो गए। आज उन्होंने अपने मुंह इसलिए खोले क्योंकि उन लोगों का पब्लिक का सपोर्ट मिला, और जब बातें निकल के आई तो सबको अपनी अपनी बातें भी रखना पड़ी। अब जैसिका जी पे उन्हीं की साइड से जो वीडियो बनाती हैं उनके लिए, आप सब समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं,
तो वो जेसिका जी पे बोल रही है अभी निकलना था ऐसा वैसा, तुम्हारे घर पे आई तो क्या हुआ, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं। जबकि उन्होंने बिल्कुल एक ही बात क्लियर बता दी कि क्या हमने किया, कैसे हमने किया, कैसे हमने इनको बाहर निकाला, इन सब चीज़ों से कैसे हमने इनको खड़ा किया, मतलब हर चीज़ में इनका सपोर्ट किया। अंत में उन्हें क्या मिला कि तू मेरे से जलती है, तू मेरा अच्छा नहीं सोचती है ना। तो यही सब चीज़ उन्होंने सबके संग में की है। तो जय सरिता जी का हाल हुआ कि उन्होंने भी बहुत कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में बदनाम वो ही हो गई थी, जैसे जेसिका जी, जैसे ही वो, ये दो बड़े क्रिएटर, इन दोनों के नाम सबसे ज़्यादा आए इस कंट्रोवर्सी में। सचिन का टॉपिक तो जो है तो वो अलग है ही, लेकिन सचिन ने जब बात निकाली है तो इन दोनों के भी निकल के आए हैं, कहाँ से कहाँ तक बात पहुँच गई है। और देखो अब लीगल एक्शन वाली बात आ रही, तो जेसिका जी के हस्बैंड ऑलरेडी एडवोकेट है, तो लीगल एक्शन की बात अगर जो मैडम उनकी सपोर्ट में बनाती हैं वीडियो, वो कुछ ना कुछ उनके लिए बोल रही, तो उनके हस्बैंड ने उनके लिए अच्छे से समझा दिया कि अभी समझ जाओ, ऐसा वो कुछ मत करो, है ना, बातें आगे बढ़ाने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। तो बस वही चीज़ है कि मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। देखो अभी सुमित महल जी की फैमिली को दूर रखो, इसमें उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, वो भी बेचारे दूसरे की बात सुनने के लिए बैठे। अब जब इनका दूसरा पक्ष कब आएगा, ये भी इन्होंने ना कोई डेट दी है ना कोई समय बताया है, बस सबको एक इंतजार ही करा रही है कि हमारा भी पक्ष आएगा। तो सब उसी इंतजार में बैठे हैं, और सामने वाली पार्टी भी इसलिए चुप बैठ गई है कि भैया दूसरा पक्ष भी सुनना है हमें, इनकी क्या बात है क्या नहीं है। तो दूसरे पक्ष का इंतजार सबको है, बस जैसे ही दूसरा पक्ष आएगा तो फिर से वीडियो 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 ही आएंगी सब लोगों की, है ना। तो बस इतना ही कहना है कि मतलब थोड़ा सा पेशेंस रख के और किसी को गलत कमेंट्स ना करके, और कोई भी अब फालतू की ऐसी वीडियो ना बना के कि मतलब गलत बोल के नहीं, हाँ जो भी बोलना सही बोलो, अच्छे से बोल लेके बनाओ, लेकिन ये मत बोलो कि तुम 3 साल पहले बात निकाल लें। जैसिका जी ने 3 साल अपने अंदर रखा, इतना वो भी तो होना चाहिए अपने अंदर कि हम 3 साल तक अपने अंदर किसी बात को दबा के रखे। उन्होंने अपने अंदर 3 साल बात को दबा के रखा। कहते हैं ना भगवान जब समय देगा तो अच्छा आएगा तो सब होगा, तो वही उन्होंने सब्र किया, उनको सब्र का फल आज मिला है, तो उन्होंने अपनी बात रखी और सोशल मीडिया पर उनकी बहुत मतलब बढ़वाई हो रही है ना। और दीदी को तो देखो वैसे भी अभी भी कुछ नहीं कह सकते दीदी का क्या है, कि दीदी की बातों में कुछ अंतर आया है, दीदी के बोलने में कुछ फ़र्क आया हो, अभी भी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि 1-2 वीडियो जो उन्होंने डाली उनकी टोन अभी सेम की सेम है, कुछ भी अंतर देखने को नहीं मिला। तो कुछ नहीं कह सकते कि दीदी का भी क्या होगा, दीदी अपनी बात रखेंगी, उनके भैया जी आएंगे, दीदी आएंगे, उनकी फैमिली आए, तभी कोई बात क्लियर होगी, तभी सुमित जी अपना भी पक्ष बताएंगे कि क्या बात उनको रखनी है, क्या बात नहीं करनी है, शादी करनी है या नहीं करनी है, वो सब चीज़ें अपन को सोशल मीडिया पर जल्द ही मिलेंगी, जैसा ही दूसरा पक्ष आएगा और तुरंत अपन लोगों को सारी खबर मिल जाएगी, है ना। तो बस इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।